Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will be discussing the properties of equalities of real numbers, and after this, we will discuss properties of inequalities of real numbers. बहुत short video है, end तक देखेगा और सीखेगा. बहुत ही आसान properties हैं. पहली property का नाम क्या है? Reflexive. आप हमेशा focus किया करें नाम के ऊपर. नाम क्या है? Reflexive, यानी reflect कर रहा है. किसे reflect कर रहा है? आप याद रखिएगा कि हर number अपने बराबर है. जैसे मैं कहूँ कि 1, 1 के बराबर है, 10, 10 के बराबर है. तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि if A belongs to real numbers, यानी अगर A एक ऐसा number है जो real number है, then A is equal to A. A किसके बराबर है? A के बराबर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक वैसे टर्म यूज़ की जाती है बराबरी के लिए. तो हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है? यहाँ पे अगर हम कहें कि दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स आपस में बराबर हैं. मैं कहूँगा कि ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है. फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. जहाँ वर्ड ट्रांजिटिव यूज़ हो, आप याद रखिएगा कि तीन नंबर्स की बात की जा रही है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपको अगर ये कहा गया है कि इफ़ ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, और क्या कहा गया कि ए किसके बराबर है? बी के, और बी किसके बराबर है? सी के. तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूँगा? ए सी के बराबर भी है, क्योंकि सी बी के बराबर है और ए भी बी के बराबर है. तो ए सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम इक्वेशन के एक साइड पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर कोई नंबर खुद से ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ता है. अब क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी? अगर ये तीन नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, A इज इक्वल्स टू B. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे C ऐड करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे भी C ऐड करना पड़ेगा. A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C. ये प्रॉपर्टी है. इसी तरह सेम प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन में भी नज़र आएगी, जिसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड को भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ए को अगर आपने सी से मल्टीप्लाई किया तो बी को भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी. फिर इसके बाद हम कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हमें ये बताती है कि अगर इक्वेशन के एक साइड पे कोई चीज़ ऐड हो और सेकंड साइड पे भी कोई चीज़ ऐड हो, तो आप उन्हें डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आप यहाँ प्लस सी और ये प्लस सी आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है? ए इज इक्वल टू बी. बहुत बेसिक पॉइंट है. आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर ये प्लस सी वहाँ जाके माइनस सी होगा तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा. लेकिन अगर आप शिफ्ट ना करें, आपके पास बिल्कुल सेम टर्म सेम साइन के साथ इक्वेशन की दोनों तरफ मौजूद हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट कैंसिल करके भी लिख सकते हैं. ये कहलाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो हियर इफ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे कि उसे डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं. सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू सी. अगर आप इसे दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करें तो सी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड कर रहा है, तो सी को सी कैंसिल कर देगा. लेकिन आप इन शॉर्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप उन्हें डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज of real numbers. Now we will discuss the properties of inequalities of real numbers. जब हम बात करते हैं equality की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसी equation की. Equation में is equal to का sign आपको नजर आएगा. जब हम बात करते हैं inequality की, तो इसका मतलब है या तो आपको नजर आएगा less than का sign या greater than का sign. तो जब हम किसी भी property को discuss करेंगे, तो हम दोनों options को, यानी less than को और सेकेंड ऑप्शन ग्रेटर देन को भी डिस्कस करेंगे. पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं. पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी. ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में हमें दो नंबर्स दिए हैं और दोनों रियल नंबर्स हैं. इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हम क्या कहेंगे? अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो इनमें तीन किस्म का रिलेशन हो सकता है. यानी मैं कहूँगा कि ए बी से ग्रेटर है,
ए बी से लेस देन है या ए और बी आपस में इक्वल हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर तीन नंबर्स हैं तो इन नंबर्स में हमने क्या किया, इन नंबर्स में हमने देखा कि रियल नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। ध्यान से देखिएगा, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए सी से छोटा होगा, यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन सी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक दफा हम लेस देन और एक दफा ग्रेटर देन के हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में जैसे आप इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही आप इन इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ए इज़ लेस देन बी, तो अगर आप यहाँ प्लस सी करेंगे तो यहाँ भी आपको प्लस सी करना पड़ेगा। आप देखें ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी, और अगर ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी देखें तो सेम, अगर आप यहाँ प्लस सी लिखेंगे तो यहाँ भी प्लस सी लिखना पड़ेगा, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। फिर एक प्रॉपर्टी हमारे सामने मौजूद है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ऑप्शन ज्यादा हैं, इसको थोड़ा मजीद ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ a b c आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर एंड इफ c इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब c एक ऐसी वैल्यू है जो पॉजिटिव वैल्यू है। याद रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू से कोई डिफरेंस नहीं होगा इन इक्वालिटी के साइन पे। मैं कहूँगा a इज ग्रेटर देन b, और फिर जब मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, पॉजिटिव नंबर से, यानी a को c से मल्टीप्लाई किया और b को भी c से, तो ये ग्रेटर देन का साइन ही रहेगा। अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँगा, 4 इज ग्रेटर देन 3। अब मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कहूँगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ ग्रेटर का साइन ग्रेटर ही रहेगा, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड 3 टाइम्स 2 इज 6। आप देखें साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह अगर मैं यहाँ देखूँ लेस देन का साइन है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जब मल्टीप्लाई करूँगा c से, सेकेंड साइड को भी c, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो साइन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर c लेस देन जीरो हो, यानी एक नेगेटिव नंबर है, तो तब क्या होगा, देखते हैं। अगर मैं पहले मिसाल आपको समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर मैं लिखूं सेम 4 इज ग्रेटर देन 3, अब दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें कोई भी नंबर ऐसा लेना है जो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा, ना ग्रेटर ना लेस देन। आप ये देखें 1 टाइम 4 इज 4 और ये हो जाएगा -4 एंड 3 टाइम 1 इज -3 हो जाएगा, -1 है। तो आप जानते हैं कि -4 इज लेस देन -3, ये हमने पिछले लेक्चर में 1.1 में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन ही रहेगा और लेस देन का साइन लेस देन रहेगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से इन इक्वालिटी की दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाएगा, और अगर यहाँ लेस देन का साइन होता तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब अगर ए को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें और बी को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, तो ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा, और ये लेस देन है सी से मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन में चेंज हो गया। अब इसके बाद मजीद दो प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस रेसिप्रोक्रेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ रेसिप्रोक्रेटिव प्रॉपर्टी? रेसिप्रोक्रेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वर्ड निकला है रेसिप्रोकल से। अगर एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 2/3, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। या अगर सिंपल अगर एक नंबर लिखा हो 2, तो इसका जो है रेसिप्रोकल 1/2, ये इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप दोनों टर्म यूज़ कर सकते हैं।
अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, कहती है कि इफ ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर एंड ए बी आर ऑफ द सेम साइन, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, लेकिन जब मैं कहूंगा कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लें, इसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लें, तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। आप किसी भी प्रॉपर्टी को समझना चाहते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए नंबर सपोज कर लिया करें, फिर जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो लेट्स अस्यूम टू नंबर्स, ए को हम सपोज करते हैं क्या है, ए टू है, और हम बी को क्या सपोज करते हैं, बी को हम सपोज करते हैं फोर, और हम यहाँ किस चीज़ का साइन लगाएंगे, लेस देन का। अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ, आप देखें 1/2, इसका जो है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, 1/4, अभी मैं साइन पुट नहीं करा, 1/2 का मतलब है 0.5, यानी 0.50 भी आप कैसे कह सकते हैं, 1/4 का मतलब होता है 0.25 या 0.5, आप देख सकते हैं ग्रेटर ये वैल्यू है, तो आप यहाँ ग्रेटर देन का और यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब वो रियल नंबर्स मौजूद हैं तो अगर वो उससे लेस देन है तो जब हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स लिया या रेसिप्रोकल लिया तो साइन चेंज हो गया। बस सिर्फ यही प्रॉपर्टी आपने समझनी है। आप देखेंगे कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है देन देयर व्हेन वी टेक देयर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल सो देन वी चेंज दिस साइन, 1/A इज ग्रेटर देन 1/B, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इफ 1/A इज लेस देन 1/B और इनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ हमने किस साइन के साथ इसे डिस्कस किया, लेस देन, तो यहाँ पे अब हम ग्रेटर देन के साइन के साथ इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब इनके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी को। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम एडिशन की भी पढ़ेंगे और मल्टीप्लीकेशन की भी। एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये हमें बताती है कि जो नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और फिर राइट हैंड साइड पे तो वो डायरेक्ट इन इक्वालिटी में भी वैसे ही कैंसिल हो सकता है जैसे इक्वालिटी में कैंसिल होता था। तो अगर आप प्लस सी और प्लस सी को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ प्लस सी और प्लस सी कैंसिल होगा तो ए इज़ लेस देन बी आ जाएगा। सेम आप मल्टीप्लीकेशन में भी देख सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, तो दोनों तरफ सी सेम है तो कैंसिल हुआ तो ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन यहाँ वजाहत कर दी गई कि सी जो है वो मोर देन या ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले आपने लेक्चर में देखा कि अगर नेगेटिव नंबर हो और उसे इन इक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या इन इक्वेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम अगर लेस देन के साइन के साथ है, दोनों तरफ सी कैंसिल हुआ सो ए इज़ लेस देन सी, हेयर इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन दैट सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। जब भी आप कोई मैथमेटिक्स की मेरी वीडियो देखें तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और आप उनके लिंक्स वहाँ पे देख सकेंगे। आई होप ये तमाम टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। खुश रहें और हमेशा सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।